नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको 15 सितंबर को इतिहास में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देंगे। चलिए फिर नॉलेज की पाठशाला को स्टार्ट करते हैं। आज ही के दिन 1861 में डॉक्टर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, प्रसिद्ध वास्तुकार, इंजीनियर और एक राजनयिक जो भारत रत्न से सम्मानित भी थे, का जन्म मैसूर कर्नाटक के चिकबल्लापुर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आज ही के दिन 1909 में थिरुकोंजीवरम नटराजन एन्नादुरी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, संपादक, लेखक, वक्ता और देशभक्त, कांचीपुरम के एक बुनकर समुदाय में पैदा हुए थे। आज ही के दिन 1953 में एस विजयलक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की महासभा के 8वें सत्र की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आज ही के दिन 1928 में स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्फ्लुएंजा का अध्ययन करते हुए पेनिसिलिन की खोज की। आज ही के दिन 1997 में google.com एक डोमेन नाम के रूप में पंजीकृत है। 2008 में निवेश बैंकिंग कंपनी लेहमैन ब्रदर्स ने अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किया। यह संयुक्त राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा दिवालियापन था और 2008 के वित्तीय संकट के पीछे की प्रमुख घटनाओं में से एक। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।